Hello guys, this is Tarun Sar and welcome back to your favorite English speaking and grammar channel, Arindam English Speaking Classes. So guys, in this video session, we are going to discuss a new word that you can see on the blackboard. And this one is, that is, word of the day, new word is relish. So guys, relish means, आत्मसात करना या ग्रहण करना, यानी किसी चीज को क्या करना, अपने जहन में उतारना, अपनी अंतरात्मा में उतारना, या किसी की बातों को फॉलो करना, उनकी बातों को अपनी लाइफ में उतारना, दैट इज रेलिश। ये एक वर्ब है, ये एक क्रिया है। ओके गाइस, सो इसके जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स गाइस वो ये हैं इम्बाइब एंड डिवोर। ठीक है गाइस, जो उसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, यानी जिनका मीनिंग रेलिश, इम्बाइब और डिवोर के जस्ट अपोजिट है, वो ये हैं गाइस डिसलाइक एंड एक्सक्लूड, यानी कि किसी चीज को डिसलाइक करना, किसी की बात को डिसलाइक करना, किसी के विचार को डिसलाइक करना या एक्सक्लूड करना। ठीक है गाइस, ना मानना किसी बात को। ठीक है, तो गाइस सेंटेंस देखते हैं इस वर्ड के ऊपर बेस्ड। ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री महात्मा गांधी जी, आवर पीएम मोदी जी स्प्रेडेड द मैसेज टू ऑल इंडियंस टू रैलिश हिज मॉरल वैल्यूज इन देयर लाइव्स। यानी कि कुछ दिन पहले हमने अपने फादर ऑफ द नेशन श्री महात्मा गांधी जी का 151st बर्थ एनिवर्सरी को हमने सेलिब्रेट किया था। उसी दिन हमारे जो पीएम है मोदी जी, उन्होंने एक मैसेज स्प्रेड किया था सभी इंडियंस के लिए कि हमें गांधी जी की अच्छी बातों को, उनके नैतिक विचारों को, उनकी मॉरल वैल्यूज को अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए, उनकी बातों को, उनके मॉरल वैल्यूज को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है गाइस, सो रैलिश का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी की बात को मानना, किसी बात को फॉलो करना या किसी की बात को अपने जीवन में उतारना। ठीक है गाइस, सो गाइस ये था आज का वर्ड रैलिश। सो गाइस आई होप आपको ये वर्ड पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके गाइस, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, take care.